हेलो क्लास, जागृति ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 7.4 के बारे में बात करेंगे। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम इसके अंदर जो थ्योरम्स हमारे यूज़ होंगे उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में क्या होता है बेटा, Whenever we extend a one side of a triangle, let's suppose I have a triangle A, B, C, और मैंने B को C की तरफ extend कर दिया to the point D, तो मेरे पास यहाँ पे एंगल बना, I named it as angle 1. मैंने इसे क्या naming कर दिया, angle 1, ठीक है। तब आप देखिए exterior angle property से क्या होगा, angle 1 is equal to angle A plus angle B. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमें यह कहता है, वेन एवर वी एक्सटेंड अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल देन द एक्सटीरियर एंगल विल बी ऑलवेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। अगर मेरा एक्सटीरियर एंगल यहां पे बन रहा है तो इसके अंदर यहां पे ऑपोजिट में एंगल कौन से हैं, एंगल ए एंड एंगल बी, ये दो एंगल मेरे सामने आ रहे हैं, तो ये एंगल वन एंगल ए और एंगल बी के सम के बराबर रहेगा। देन सेकेंड थ्योरम जो हमारे यूज आ रहा है वो कहता है सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी प्लस बी सी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड रिमेनिंग साइड। चाहे आप किसी के भी कॉम्बिनेशन ले लीजिए, चाहे आप ए बी प्लस बी सी का ले लीजिए या फिर ए सी प्लस बी सी का ले लीजिए या फिर ए बी प्लस ए सी का ले लीजिए, आप कोई भी साइड्स का कॉम्बिनेशन ले लीजिए, द सम ऑफ टू साइड्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये होगा हमारा सेकंड थ्योरम। अब हम बात करते हैं थर्ड थ्योरम की। थर्ड थ्योरम में क्या कहते हैं बेटा, लेट सपोज आई हैव अ ट्राइंगल ए बी सी, मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। अब मैं कहता हूं दैट ए बी इज द लॉन्गेस्ट साइड, ए बी इज द लॉन्गेस्ट साइड इन ट्राइंगल ए बी सी, देन द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड विल ऑल्सो बिगेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। जो सबसे लंबी साइड होगी उसके सामने जो एंगल बनेगा वो सबसे बड़ा होगा, और अगर मान लीजिए अगर कोई साइड जो सबसे छोटी है तो उसके सामने वाला एंगल सबसे छोटा होगा। बड़ी वाली साइड के सामने वाला एंगल बड़ा रहेगा और छोटी वाली साइड के सामने एंगल छोटा रहेगा, ठीक है बेटा। ये तीन थ्योरम हमारे पास हैं और ये तीनों थ्योरम हमारे किसके अंदर आएंगे, एक्सरसाइज 7.4 के अंदर काम आएगा। नाउ वी आर हेडिंग फॉर एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1। आप देखिए क्लास, हमें ये क्वेश्चन क्या कहता है, शो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने ही बनाया है ए बी सी, एंगल बी पे मैंने कितना कंसीडर कर लिया 90 डिग्री, क्या कंसीडर कर लिया 90 डिग्री। शो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है, ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड। ओके, अब हम बात करते हैं प्रूफ की। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एंगल बी आपको 90 डिग्री दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, एंगल बी क्या है 90 डिग्री, तो बाकी के जो दो एंगल है एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल एंगल सम प्रॉपर्टी,
कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी हमारे पास, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी खुद देखिए बेटा, अगर ये 90 डिग्री है तो ये बाकी के दो बचे हुए एंगल भी तो 90 डिग्री हो, तभी तो हमारे पास सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, यस और नो? ओके, अब देखिए क्लास, एंगल ए में जब एंगल सी को ऐड करता हूं तब 90 डिग्री बनता है, और एंगल सी में जब एंगल ए को ऐड करता हूं तब 90 डिग्री बनता है, और एंगल बी पहले से ही 90 डिग्री है, एंगल बी पहले से ही 90 डिग्री है, सो आई कैन से दैट, देन वी कैन से दैट एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए, और अगर एंगल बी बड़ा है तो उसके सामने वाली साइड ए सी इज एंगल ए, एंगल बी के सामने ए सी और एंगल ए के सामने बी सी इज ग्रेटर देन साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। ठीक है, ओके, अगेन जब एंगल बी एंगल ए से बड़ा है, अगेन एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, एंगल ए से बड़ा तो एंगल सी से भी बड़ा है, और एंगल बी जब बड़ा है तो आई अगेन अगेन से दैट ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, अगेन द रीजन विल बी सेम, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। तो भाई साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, तो देखिए बेटा ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, इसे माना मैंने इक्वेशन नंबर वन, इसे माना मैंने इक्वेशन नंबर टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड, ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है बेटा, ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, इन द फिगर 7.48। ओके, तो हमें फिगर के लिए क्या करना पड़ेगा, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। फिगर हमें यहां दे रखा है, देखिए okay, now I'm reading it from the book. In the figure 7.48, side AB and AC of a triangle ABCD are extended to point P and Q. Also, angle PBC, angle PBC, तो हम पहले क्या लिखते हैं, given. Angle PBC is lesser than angle QCB. मतलब ये एंगल बड़ा है और ये एंगल छोटा है। ठीक है बेटा, ओके, आप ऐसे लिख मत देना बड़ा और छोटा, टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, हमें क्या प्रूव करना है, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसका नाम करता हूँ एंगल वन, एंगल टू और एंगल थ्री। प्रूफ, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो मैं पहले बात करता हूँ एंगल पी बी सी की, एंगल पी बी सी इज इक्वल टू, पी बी सी किसके बराबर है बेटा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ मैं, कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल वन प्लस एंगल थ्री, एक्सटीरियर
angle property. Is it fine? Again, in triangle ABC, angle QCB, angle QCB is equal to angle 1 plus angle 2. Exterior angle property. Exterior angle property. ठीक है, ओके. आप देखिए, PBC और QCB मैं दोनों में हमारे पास ये एंगल आ गए. नाउ अब हमें क्या दे रखा था, एंगल PBC वाज लेसर देन एंगल QCB, इट वाज गिवन. ये हमें गिवन था. PBC की वैल्यू क्या थी, एंगल 1 प्लस एंगल 3, और QCB की वैल्यू क्या है, QCB की वैल्यू है मेरे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2. एंगल 1 से एंगल 1 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आया एंगल 3 इज लेसर देन एंगल 2. तब इधर देखिए क्लास, मेरे पास यहां पे क्या है, एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 3. एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 3, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 3. तो एंगल 2 के सामने वाली साइड कौन सी है, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, और यही हमें प्रूव करना था. तो इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, साइड्स ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, साइड्स ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर. ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन भी हमारे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हो गया. नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए एक बार. सॉल्यूशन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एंगल बी इज ग्रेटर देन लेसर देन एंगल ए, गिवन एंगल बी इज लेसर देन एंगल ए, एंगल सी इज लेसर देन एंगल डी. टू प्रूव ए डी लेसर देन बी सी. ओके क्लास, आप देखिए प्रूफ, ध्यान देना. इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी, इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं ताकि आपको फिगर क्लियरली दिखे. इन ट्राइंगल ए ओ बी एंगल बी इज लेसर देन एंगल ए, मतलब एंगल बी इज लेसर देन एंगल ए, यानी एंगल ए बड़ा है. एंगल ए बड़ा है तो साइड ओ भी बड़ी होगी, यस और नो? तो हम लिख सकते हैं ए ओ इज लेसर देन बी ओ. इसका रीजन क्या हो जाएगा, साइड्स ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर. ओके, अब हम बात करते हैं अगेन, ये होगी मेरे इक्वेशन नंबर 1. इन ट्राइंगल सी ओ डी,
एंड ट्राइंगल सी ओ डी. सी ओ डी में हमें क्या दे रखा है, दैट इज एंगल डी इज ग्रेटर देन एंगल सी. अगर एंगल डी हमें बड़ा दे रखा है तो एंगल डी के सामने वाली लाइन और एंगल सी के सामने वाली लाइन, एंगल डी के सामने वाली लाइन कौन सी है, ओ सी इज ग्रेटर देन ओ डी. ठीक है बेटा, ओके. ये मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर टू और इसका रीजन भी सेम हो गया, साइड्स ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, साइड्स ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर. नाउ एड इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू. इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को ऐड कर दीजिए. ठीक है, तो यहां पे मेरे पास आ गया AO प्लस OD इज लेसर देन BO प्लस OC. तो AO प्लस OD कितना हो गया मेरे पास AD, और BO प्लस OC कितना हो गया BC. और आई थिंक मुझे यही प्रूफ करना था और ये मेरा प्रूफ हो गया. ठीक है क्लास, सिंपल सा क्वेश्चन था, जैसा क्वेश्चन में दिया गया है वैसे ही आप सिंपल सी प्रॉपर्टी लगा दीजिए और हमारा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करते रहिए. नाउ वी आर हेडिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर फोर. ओके क्लास, सबसे पहले हम बात करते हैं गिवन के. ए बी एंड सी डी आर द रेस्पेक्टिव स्मॉलेस्ट. ए बी क्या है, स्मॉलेस्ट साइड. सी डी क्या है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. टू प्रूव एंगल ए इज ग्रेटर दैन एंगल सी एंड एंगल बी ग्रेटर दैन एंगल डी. कंस्ट्रक्शन, जॉइन, पहले एंगल ए प्रूफ करना, तो जॉइन ए सी. क्या किया मैंने, जॉइन ए सी, मैंने ए सी को जॉइन कर लिया. अब मैंने इनकी नेमिंग कर दी, देखिएगा बेटा एंगल वन एंगल टू एंगल थ्री एंड एंगल फोर. इन ट्राइंगल ए बी सी, आप देखिए क्लास, ट्राइंगल ए बी सी में आपको पता है ये आपके पास स्मॉलेस्ट है और ये आपके पास लॉन्गेस्ट है. एक आपके पास स्मॉलेस्ट साइड है और एक आपके पास लॉन्गेस्ट साइड है. ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर ए बी आपकी सबसे स्मॉलेस्ट साइड है, अगर ए बी आपकी स्मॉलेस्ट साइड है, सो आई कैन से दैट बी सी इज ग्रेटर देन ए बी. बी सी इज ग्रेटर देन ए बी, तो BC के सामने वाला साइड एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 3. इसका रीजन क्या होगा, एंगल्स ऑपोजिट, एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर. इसे मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर वन. अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी हो गया, मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल ए डी सी. आप देखिए, अगर सी डी, सी डी मेरे क्या है, सी डी इज ग्रेटर देन ए डी. भाई ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है तो इससे तो बड़ी ही होगी,
सी डी इज ग्रेटर देन ए डी. सी डी के सामने कौन सा एंगल है? एंगल टू इज ग्रेटर देन एंगल फोर. इसका भी रीजन यही लिखेंगे, एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर. एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर. ये हो गई मेरे इक्वेशन नंबर टू. अब मैं कहता हूँ एड इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू. एड इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू. तो एंगल वन प्लस एंगल टू इज ग्रेटर देन एंगल थ्री प्लस एंगल फोर. एंगल वन प्लस टू कितना हो गया? एंगल ए. और एंगल थ्री प्लस फोर कितना हो गया? एंगल सी. और ये हो गया मेरा पहला हैंस प्रूफ. ये तो हो गया मेरे हैंस प्रूफ, येस और नो? ये हो गया अपने हैंस प्रूफ, ठीक है. सिमिलरली अब देखिए क्लास, अब मैं सेकंड वाला प्रूफ करने वाला हूं. सेकंड वाले के लिए मुझे वापस कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. तो उसके लिए मुझे क्या करना है देखिए क्लास, पहले मैंने एसी को ज्वाइन किया था, नाउ ज्वाइन बीडी, ज्वाइन बीडी. तो वन टू थ्री फोर तो हो गए थे, अब बचे मेरे पास फोर फाइव सिक्स फाइव सिक्स सेवन एंड एट. फाइव सिक्स सेवन एट. ओके सर, अब क्या करें? अब देखिए क्लास, इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, पहले ये वाला ले लीजिए, ये लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. सी डी इज ग्रेटर देन बी सी. तो सी डी के सामने आता है एंगल सिक्स इज ग्रेटर देन एंगल एट. अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर ए बी आपकी स्मॉलेस्ट साइड है तो क्या करेंगे हम, ए डी इज ग्रेटर देन ए बी. और ए डी के सामने एंगल आ रहा है एंगल फाइव इज ग्रेटर देन एंगल सेवन. इसे मान लिया मैंने थर्ड, इसे मान लिया मैंने फोर. एड इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन नंबर फोर, एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स इज ग्रेटर देन एंगल सेवन प्लस एंगल एट. एंगल फाइव प्लस सिक्स कितना आता है? एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी. यहाँ पर रीज़न आपको ज़रूर लिखना है जो मैंने पहले लिखे थे. क्या लिखना है रीज़न? एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर. और यहां पे भी ये सेम रीजन आ जाएगा, हैंस प्रूफ. यही हमें प्रूफ करना था कि एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी. ठीक है बेटा, ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर फाइव. Now we are heading for the question number 4 हमारा complete हो गया. Now we are heading for question number 5. अब इधर देखिए क्लास, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कह रहा है ये? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इन फिगर 7.51 PR is greater than PQ. PR is greater than PQ and angle PS bisect, यानी angle 1 is equal to angle 2. Angle 1 is equal to 2 है यहाँ पे हमें. तो to prove, angle PSR is greater than angle PSQ. एंगल पी एस आर
इज ग्रेटर देन पी ई एस क्यू. तो पहले देखिए एंगल पी एस आर कहाँ है, पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू. ये वाला एंगल इस एंगल से बड़ा है, हमें ये प्रूफ करना है. तो देखिए क्लास, सबसे पहले प्रूफ, सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं. इन ट्राइंगल पी एस क्यू, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी एस क्यू, ओके, इन ट्राइंगल पी एस क्यू. पी एस क्यू कौन सा है, ये है हमारे पास. अब इसमें मैं लगा रहा हूं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कौन सा एंगल पी एस आर, एंगल पी एस आर इज इक्वल टू एंगल वन प्लस एंगल क्यू, एंड दिस प्रॉपर्टी इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ठीक है, अगेन इन ट्राइंगल पी एस आर तो हो गया, पी एस आर, पी एस क्यू तो हमारा ट्राइंगल हो गया. अब मैं बात कर रहा हूँ इन ट्राइंगल पी एस आर, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, पी एस आर. तो इसका एक्सटीरियर एंगल क्या है ये, सो एंगल पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू एंगल टू प्लस एंगल आर. पी एस क्यू इज इक्वल टू एंगल टू प्लस एंगल आर. अब यहाँ पे देखिए बेटा, एंगल वन इज इक्वल टू टू है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल टू की जगह क्या लिख दिया मैंने, एंगल, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल वन, ओके. ठीक है, ये हो गई मेरे इक्वेशन नंबर वन और ये हो गई मेरे इक्वेशन नंबर टू. यहाँ पर भी कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. तो देखिए क्लास, आप खुद समझ जाइए, एंगल पी एस आर इज इक्वल टू एंगल वन प्लस क्यू, एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू एंगल वन प्लस आर. नाउ अब इसमें देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, एंगल पी एस आर इज इक्वल टू एंगल पी एस क्यू. अब मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन इन ट्राइंगल पी क्यू आर. ठीक है, हमें क्या गिवन था, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू. तो पी आर के सामने कौन सा एंगल है, एंगल क्यू इज ग्रेटर देन पी क्यू, पी क्यू के सामने कौन सा एंगल है, एंगल आर, पी क्यू के सामने कौन सा है, एंगल आर. ठीक है, अब इधर देखिए क्लास, एड एंगल, एड एंगल वन बोथ साइड्स, तो एंगल क्यू प्लस एंगल वन इज ग्रेटर देन एंगल आर प्लस एंगल वन. तो देखिए बेटा, एंगल क्यू प्लस एंगल वन कौन सा है, एंगल क्यू प्लस एंगल वन हो जाएगा मेरे पास एंगल पी एस आर, और एंगल आर प्लस वन कितना है मेरे पास, एंगल पी एस क्यू. और यही आई थिंक हमें प्रूव करना था और यही हमें प्रूव करना था दैट एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू. ठीक है क्लास, तो देखिएगा एक चीज और कर रहा था, ये हमारे ग्रेटर देन का साइन है, ये ग्रेटर देन का साइन है और एंगल का साइन अलग है. ओके, ठीक है बेटा ना, तो ये क्वेश्चन भी हमारे हो गया, वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर फाइव. नाउ वी आर हेडिंग फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्स. क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है हमें, शो दैट ऑल द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट
Not on it. Okay, let's suppose I have a line segment A, B. एक पॉइंट है उस पे P. Not on it. The perpendicular line segment is the shortest. Okay. तो एक तो इसको ज्वाइन कर दीजिए और एक इसको ज्वाइन कर दीजिए. एक इसको ज्वाइन कर दीजिए. ठीक है बेटा, देखिए इसको एक बार वापस बना लेते हैं. लेट सपोज आई हैव अ लाइन सेगमेंट, ये मैंने ए माना था, इसको मैंने क्यू माना था. आपको जो मानना है मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लेट सपोज आई हैव अ लाइन सेगमेंट सी डी. लेट सपोज आई हैव अ लाइन सेगमेंट सी डी, ठीक है. उस पर पी क्यू क्या है? परपेंडिकुलर. तो गिवन क्या है? पी क्यू परपेंडिकुलर सी डी. टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी पी ए, ये प्रूव करना है. इसका मतलब हमें प्रूव करना है पी क्यू इज ग्रेटर देन पी ए. ये प्रूव करना है, पी क्यू इज ग्रेटर देन पी ए. तो ये हमने क्वेश्चन नंबर वन जो पहले प्रूव किया था उसके जैसा ही है. इन ट्राइंगल पी ए क्यू एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री. अगर एंगल ए 90 डिग्री है तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी से दोनों क्या हो जाएंगे? 90. सो एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल पी. एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल पी. अगर एंगल ए बड़ा है तो मैं कह सकता हूँ एंगल ए के सामने वाली साइड पी क्यू, पी क्यू इज ग्रेटर देन एंगल पी. एंगल पी के सामने क्या है? ए क्यू. ओके, मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्यू ले लेता हूँ. अगर एंगल ए, एंगल ए देखिए बेटा, एंगल ए का इकलौते का सम 90 डिग्री है और इन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो एंगल ए है वो एंगल क्यू से बड़ा है और एंगल क्यू के सामने साइड है पी ए. हैंस प्रो. इसका रीजन लिख देते हैं हम, साइड्स ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेट. ठीक है क्लास, तो इसके साथ हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है. सो क्लास, अब एक बात ध्यान रखिएगा, हमारी एक्सरसाइज 7.4 आज कंप्लीट हो गई है और 7.4 के साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया है. समय की सीमा भी समाप्त हो जाती है. अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं सो टेल योर फ्रेंड्स टू ज्वाइन आर ऐप. इट्स टाइम टू से गुड बाय, गुड डे.